गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। फॉर दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, हाई, आई एम करिश्मा। मैं यूजुअली मेकअप रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी डेली स्किन केयर रूटीन के बारे में। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सभी की एक स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, जिसकी नहीं है उसकी भी होना चाहिए, क्योंकि स्किन की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कि कुछ बिगड़ जाए उसके बाद उसमें लाखों रुपए लगा के ठीक करने से अच्छा है कि आप उसमें पहले से सावधान रहें। तो इसलिए सभी की एक स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके जो पिंपल्स होते हैं वो आपको स्पॉट्स स्कार्स देते हैं, तो स्पॉट्स तो ठीक है, आप पैसे मतलब और मनी खर्च करोगे तो शायद आपके ठीक हो जाए, आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन स्कार्स जो होते हैं, जो गड्ढे पड़ जाते हैं, वो आपके कभी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए आपको पहले से स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हो सकता है बीच बीच में, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन में। वैसे ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये वेरी करते हैं, सब अपने अपने मतलब अपने अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इन प्रोडक्ट्स को क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन के हिसाब से मैंने अपने प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, आप चाहे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम प्रोडक्ट्स बाय करें, सेम स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कर भी सकते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है और टेक्स्चर्ड स्किन है तो आप प्रोडक्ट्स यूज़ करके देख सकते हैं। क्योंकि बहुत नॉर्मल बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मैं, तो ओके गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब हम स्किन केयर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मेकअप रिमूवर से, मतलब आपने जो मेकअप किया है। मैं स्पेसिफिकली डे रूटीन नाइट रूटीन नहीं बता रही हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। आप जहाँ मैं बोलूँगी डे में यूज़ करना है वो मैं डे में यूज़ करती हूँ, और जिसका नाइट का बताऊँगी वो नाइट में। सो सबसे पहले आता है मेकअप रिमूवर। सो मैं मेकअप रिमूवर के लिए वैसलीन यूज़ करती हूँ। ओके, तो ये वैसलीन की डिब्बी है, 30-40 रुपए की मिल जाती है, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर मेरे लिए है। आप कुछ नहीं करना रहता है, लीजिए उसको पूरे मुंह पे लगाइए, और एक कॉटन क्लॉथ लीजिए, उससे पूरा फेस साफ कर लीजिए, ईजीली पूरा साफ हो जाता है। इसके बाद आता है फेस क्लिनजिंग का। ठीक है, तो क्लिनजिंग के लिए मैं दो फेस वॉश हैं वो यूज़ करती हूँ। एक ये है क्लीन क्लीन का, ये आहा का आता है, ग्लाइकोलिक वाला है। इसके दो वर्जन आते हैं, एक सैलिसिलिक एसिड वाला आता है, एक ग्लाइकोलिक एसिड वाला आता है। सो मेरी स्किन को सैलिसिलिक एसिड वाला सूट नहीं करता है, मैं ये ग्लाइकोलिक एसिड वाला यूज़ करती हूँ। और ये जो है मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था, तो मैं इसे उनके रिकमेंडेशन पे यूज़ करती हूँ, और ये मैं कंटिन्यू रखती हूँ, क्योंकि मेरी पिंपल मतलब मुझे बहुत जल्दी पिंपल आ जाते हैं। मतलब मेरी स्किन टाइप ऐसी है कि बहुत जल्दी पिंपल आ जाते हैं। ठीक है, नॉइस के लिए सॉरी। और जो दूसरा फेस वॉश है वो है हिमालया का। सो ये बहुत नॉर्मल फेस वॉश है, कोई भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि आप जब मेडिकेटेड फेस वॉश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो ना, तो आपकी स्किन को मतलब बहुत ज़्यादा उसका क्या बोलना चाहिए, वो इरिटेशन होने लगता है और बहुत ड्राइनेस होने लगती है। इसलिए मैं इसे वन टाइम यूज़ करती हूँ। ये या तो मैं सुबह एक बार यूज़ कर लेती हूँ, या तो नाइट में यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं इसको मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ, जब सुबह सब उठ के जब मूड होते हैं तो ये इसका यूज़ करती हूँ। ओके, ऑयली स्किन है आपके लिए तो ये बहुत अच्छा है। और ये वाला जो है, बाकी दिन में मैं जब भी फेस वॉश करती हूँ, जैसे कुछ भी हो, नॉर्मली कुछ भी लगाया हो, धोना हो, तो ये करती हूँ, और नाइट में भी इसी का यूज़ करती हूँ। हिमालय का आता है ये नीम प्योर फेस वॉश, ईजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं मॉइस्चराइजिंग की। सो मॉइस्चराइजर भी दो हैं, मतलब
डिपेंड करता है कि अगर ओके मॉइस्चराइजर का तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मेरी ऑयली स्किन है और अगर आप गर्मियों के टाइम में क्या होता है ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और मतलब आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है तो उस टाइम पर आपको लाइट मॉइस्चराइजर का यूज़ करना होता है। तो मैंने बहुत सर्च किया और मुझे ये अभी तक का बेस्ट मॉइस्चराइजर लगा है, ये पॉन्ड्स का नीला वाला डब्बा ये आपने देखा होगा अभी बहुत ज़्यादा। इसमें हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है। तो जब भी आपको अगर आपकी ऑयली स्किन है और गर्मी के टाइम में ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको बहुत लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं अगर आपकी स्किन पे ऑयल आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉइस्चराइज करना ही छोड़ दें, जबकि आपको मॉइस्चराइज करना चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो उसका ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा लाइट मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज करें गर्मी के टाइम में। तो ये मोस्टली मैं गर्मियों में ये वाला मॉइस्चराइजर करती हूँ। और जैसे ही ठंड आती है तो ठंड में क्या होता है कि मेरी स्किन ना मतलब ऑब्वियसली मैं ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो स्किन ड्राई, वैसे ही ठंड में ड्राई होता है और स्किन ड्राई होने लगती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब ऑयल का ज़रूरत होता है, ऑयल मतलब ऑयल का नहीं मतलब थोड़ा हैवी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, ये है एलोवेरा जेल। तो मैं क्या करती हूँ, ये है एलोवेरा जेल और ये विटामिन ई कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो ये दोनों जो हैं इन दोनों को मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप से। ये एलोवेरा जेल जो है इतना बचा है, इसको ऐसा लेती हूँ, इसमें ये इस टाइप से विटामिन ई कैप्सूल जो है ये वन ड्रॉप, ओनली वन ड्रॉप विटामिन ई का कैप्सूल वन ड्रॉप डालते हैं एंड इसको मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे से। इसको मिक्स कर लेती हूँ और ये एक वाइट वाइट से गाढ़ी से फॉर्म में, क्रीमी फॉर्म में हो जाता है, उसके बाद उसको अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है और नॉर्मल अच्छा रहता है और वैसे भी विटामिन ई बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। सो इसको अप्लाई करना चाहिए। तो दिस और ये मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, नाउ अब सनस्क्रीन की बारी आती है। तो सनस्क्रीन में मैं यूज़ करती हूँ ये लाशील्ड का सनस्क्रीन है SPF 30 में। ये आता है ये कुछ 600-700 रुपीज़ का आता है। इसका प्राइस ऑनलाइन तो ये वेरी करता रहता है। ये भी मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मतलब रिकमेंड किया था और ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ऐसा कुछ नहीं कि डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेगा जब भी आप खरीदोगे, ऐसा कुछ नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हो और मैं यही यूज़ करती हूँ। और हाँ ये एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत अच्छा है। तो वैसे भी आप अगर डे में अगर सन एक्सपोजर में जाते हैं तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सनस्क्रीन। इसके बाद आता है लिप बाम की बारी आती है, लिप बाम हो गया। ओके सो लिप बाम के लिए मैं ये अभी फ़िलहाल में लिप बाम तो मेरे वेरी करते रहते हैं, कोई भी लिप बाम लीजिए बहुत अच्छा रहता है, मॉइस्चराइज करते हैं आपको, लेकिन आपको लगाते रहना चाहिए। सो लिप बाम के लिए मैं अभी फ़िलहाल ये लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। ये इसका मैंने रिव्यू भी किया है, ये है ब्लू हेवन के लिप बाम है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, इसका रिव्यू भी किया है, आप इसका रिव्यू वीडियो भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ये लिप बाम यूज़ कर रही हूँ और ये वेरी करते रहते हैं, आप भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं। तो ये है मेरी सिंपल सी स्किन केयर रूटीन और इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटर। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, आप जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए, मतलब दिन में 3-4 लीटर पानी पीना रहता है। तो उससे क्या रहता है, आप पूरे हाइड्रेटेड रहते हैं, आपके लिप्स यहाँ जो क्रैक क्रैक आ जाते हैं ना, आप बोलते हैं फिर कि लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं तो क्रैक्स आ जाते हैं, तो
अगर आपके लिप्स पहले से हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपके स्किन पे जो भी होता है ना, वो एक सिग्नल होता है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए आपने आपको हाइड्रेटेड रखिए ज़्यादा से ज़्यादा और स्किन केयर रूटीन फॉलो। गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू डू लाइक माय वीडियो, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड गिव इट अ बिग थम्स अप एंड